जय भीम साथियों, मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। यूपीएससी आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपीएससी 2020 इस बार पूरा गड़बड़ाया हुआ है। पहले यूपीएससी ने कुल 829 उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया, जबकि इस साल रिजल्ट आना था 927 उम्मीदवारों का, यानी पूरे 98 सीट का घपला। लेकिन इस बार बात यही खत्म नहीं होती। यूपीएससी का एक और नया घोटाला सामने आया है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्ण उम्मीदवारों को ओबीसी के मुकाबले कम नंबर देकर आईपीएस आईएएस बना दिया गया। यूपीएससी ने जब कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्ण कोटा वालों को ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट से कम नंबर में ही पास कर दिया गया। EWS को UPSC पास करने के लिए केवल 909 अंकों की जरूरत थी, जबकि OBC के विद्यार्थियों को 925 अंकों की जरूरत थी, यानी EWS को पूरे 16 नंबर की छूट दी गई थी। मंडल कमीशन आने के बाद से OBC आरक्षण लागू किया गया, जिसके तहत सरकारी नौकरी में OBC उम्मीदवार के लिए कुल सीट में से 27% सीट आरक्षित कर दी गई। इस तरह कुल आरक्षण में से ST के लिए 7.5%, SC के लिए 15%, OBC के लिए 27% और पिछले साल ही 10% सीट गरीब सवर्णों के लिए आरक्षित कर दी गई। लेकिन OBC को दो वर्गों में बांटा गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ आरक्षण का फायदा केवल नॉन क्रीमी लेयर वाले ही उठा सकते हैं, जिनके परिवार में सालाना एक तय इनकम होती है। अगर उससे ज़्यादा हुई तो वह नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बाहर हो जाएंगी और आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। वर्तमान में OBC के नॉन क्रीमी लेयर में आरक्षण के लिए सालाना इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इस तरह सभी आरक्षित सीटों का कुल जोड़ लगभग 60% बैठता है। यदि हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो OBC आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद 1992 में अधिवक्ता इंदिरा साहिनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कुल आरक्षित सीट 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वे ये केस जीत भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता इंदिरा साहिनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी। लेकिन अब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलने से ये सीमा एक बार फिर बढ़ गई है। जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो सवर्ण जाति के लोगों ने देश भर में हंगामा कर दिया था, सड़कें जाम कर दी थी और कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन देखा गया। सवर्णों का मानना था कि परीक्षा मेरिट बेस पर होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सवर्णों को 10% आरक्षण मिला, देश भर के सवर्णों ने चुप्पी साध ली। हमेशा मेरिट की बात करने वाले, आरक्षण को गाली देने वाले सवर्ण इस बार खुश थे। हालांकि इस पर UPSC बार बार अपनी सफाई दे रहा है कि उन्होंने एकदम सही रिजल्ट निकाला है। चूंकि EWS के उम्मीदवार OBC, ST, SC से कम हैं, इसलिए उनके पासिंग मार्क्स कम हैं। लेकिन सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर पर आरोप लगाया जा रहा है कि UPSC ने जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को पास कराने के लिए EWS का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी DMK के प्रेसिडेंट MK स्टालिन ने भी ट्वीट कर कहा, UPSC उन 98 उम्मीदवारों के नाम क्यों नहीं बता रही है जिन्होंने परीक्षा पास की है। 10% गरीब सवर्णों की वजह से SC, ST और OBC उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल, सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम आदि जैसे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और UPSC से सवाल कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लगातार UPSC से मांग कर रहे हैं कि वह मार्क्स के साथ साथ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करें, ताकि पता चल सके कि कौन रिटर्न और इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाया है, जबकि UPSC इसे प्राइवेसी कहकर टाल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम लिखते हैं कि अगर EWS आरक्षण अभी भी विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ को फैसला लेना है, जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, तो कैसे UPSC EWS आरक्षण लागू कर सकती है, जबकि इसके फैसले में ये आरक्षण खत्म भी किया जा सकता है।
इसी के साथ साथ लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वह इस तरह के मुद्दों पर समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। वे कहते हैं कि EWS की OBC से कम कट ऑफ से तो आरक्षण की हत्या है। मान लीजिए किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में 100 सीटों पर नियुक्ति की जानी है तो सबसे पहले अंतिम परिणाम की एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो बढ़ते से घटते क्रम में सभी कैटेगरी के लोगों की एक साथ बना ली जाएगी और उस कैटेगरी के लिस्ट में UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर शुरुआत से 50 लोगों को चयनित किया जाना है तो शुरू से 50वें नंबर तक जिस भी अभ्यर्थी का नंबर आएगा उसकी कटाव तक 50 लोगों का चयन किया जाएगा और इस 50 में SC ST OBC EWS सभी श्रेणी के कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जो उन 50 की मेरिट लिस्ट में आ रहे होंगे। तो इस तरह से UR का कटाव निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद 15% SC के पदों पर नियुक्ति के लिए UR की कैटेगरी के नीचे से SC के कैटेगरी के 15 लोगों का चयन किया जाएगा। 15वां व्यक्ति जहां चयनित होगा वह SC कैटेगरी की कट ऑफ होगी। इसी तरह से 7.5वां व्यक्ति जहां चयनित होगा वह UR की कैटेगरी के बाद से 7.5वें व्यक्ति की कट ऑफ ST कैटेगरी का कट ऑफ होगा। 27वां व्यक्ति जो UR की कैटेगरी के बाद से चयनित होगा वह 27वें व्यक्ति की कट ऑफ OBC की कट ऑफ मानी जाएगी और 10वें व्यक्ति की कट ऑफ EWS की कट ऑफ मानी जाएगी। ये एक बुनियादी नियम है आरक्षण का। यह इसीलिए है कि 50% सीटें अनारक्षित है, उसमें मेरिट में कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति आकर के सफल हो सकता है और चयनित किया जा सकता है। इस आधार पर कभी भी UR से ज्यादा मेरिट SC ST OBC और EWS की नहीं जा सकती और EWS की मेरिट कभी भी किसी भी तर्क से SC और OBC से ज्यादा नहीं जा सकती, कम नहीं जा सकती। लेकिन UPSC ने जो 2019 का परिणाम दिया है उसमें EWS कैटेगरी की मेरिट OBC से नीचे गई है, यानी कि आपने जितने लोग OBC SC ST मेंस के एग्जाम की मेरिट में, तो EWS की कट ऑफ SC ST OBC तीनों से नीचे है। अंतिम परिणाम में EWS की कट ऑफ OBC से भी नीचे है। यह इस तरह से किया गया है कि जो UR कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वह अनारक्षित श्रेणी, उसमें आने वाले सभी OBC SC ST को उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और वो 50% अपर कास्ट रिजर्वेशन हो गया है। वैसे तो आरक्षित सीटों पर गड़बड़ हमेशा से होती रही है। उच्च पदों पर बैठे सवर्ण अधिकारी आरक्षित सीटों को बहुत आसानी से घाल मिल कर लेते हैं। यदि आरक्षित विद्यार्थी मेरिट में शामिल होने वाले मार्क्स भी ले आए तो भी उन्हें आरक्षित सीटों पर ही एडमिशन दिया जाता है, जबकि उनका एडमिशन जनरल सीट पर होना चाहिए, क्योंकि जनरल सीट सबके लिए होती है, किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं। वैसा इसलिए भी करते हैं ताकि जनरल सीट किसी आरक्षित उम्मीदवार से फुल ना हो जाए। आज जब सवर्ण OBC से कम नंबर पर पास हो रहे हैं तो वे शांत हैं। मेरिट को आधार बनाने वाले और आरक्षण को गाली देने वाले, उनकी कहीं प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। आज बस इतना ही साथियों, कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए दाशूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दाशूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम जय भारत। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम जय भारत।